हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 to 33 में पूछा गया है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन चॉइसिस। वी फिलिंग द ब्लैंक्स टू हेल्प अवर नेबर्स इन नीड, शुड, कुड, नीड नॉट या आउट। वी फिलिंग द ब्लैंक्स टू है तो यहाँ पे आउट आएगा, वी आउट टू हेल्प अवर नेबर्स इन नीड। आउट के बाद हमेशा टू आता है तो यहाँ पे टू है तो आउट ही आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आउट टू हेल्प अवर नेबर्स इन नीड। क्वेश्चन नंबर 32, फिलिंग द ब्लैंक्स, आई हैव द ऑनर टू इनवाइट यू ऑन द डाइस। तो मे आई हैव द ऑनर टू इनवाइट यू ऑन द डाइस, मे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कॉलेज फिलिंग द ब्लैंक्स रिमेन क्लोज्ड ऑन 15th November ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पूरब। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 15th November ऑन द अकाउंट ऑफ गुरु पूरब, कॉलेज बंद रहेगा, विल आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 to 35, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस आर्टिकल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक्स ऑफ ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेल्फिशनेस इज नेचुरल, फिलिंग द ब्लैंक्स मैन, सेल्फिशनेस इज नेचुरल टू मैन। ओके, टू आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर इज, फिलिंग द ब्लैंक्स स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द। क्वेश्चन नंबर 36 to 37, चूज द ऑप्शन विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स की स्पेलिंग ये एक्स से शुरू होती है, एक्स ई आर ओ पी एच वाई टी एस, जीरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जीरोफाइट्स ये प्लांट की एक स्पीसीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, मिस्चवस, मिस्चवस की स्पेलिंग बतानी है तो एम आई डबल एस नहीं होगा, एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस, मिस्चेवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मिस्चेवस होता है उदंडी या शरारती बोल सकते हैं आप, शरारती, शैतानी। ओके, इसका सिनोनियम होता है जैसे इविल या नास्टी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 to 39, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज सेटल्ड इन यूएसए, ही हैज सेटल्ड इन द यूएसए या ही हैज सेटल्ड एट यूएसए और ही हैज सेटल्ड ऑन यूएसए। देखिए यूएसए पूरी कंट्री का नाम है तो एट तो नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। ही हैज सेटल्ड इन द यूएसए, पूरी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे द लगेगा। ओके, ही हैज सेटल्ड इन द यूएसए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाइबल इज अ सेक्रेड बुक, बाइबल इज द सेक्रेड बुक और द बाइबल इज अ सेक्रेड बुक या द बाइबल इज द सेक्रेट बुक। देखिए दो बार नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो जाएगा, बाइबल इज अ सेक्रेट बुक नहीं। अब बाइबल जो है ये एक होली बुक है तो द बाइबल इज अ सेक्रेट बुक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द आएगा बाइबल के साथ। ओके, द बाइबल जैसे द नदी बोलते हैं, द गंगा, द गीता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, द बाइबल इज अ सेक्रेट बुक। क्वेश्चन नंबर 40 to 41, फिल इन द ब्लैंक्स with the most suitable word from the alternatives given. So, question number 40 है, this is only one of her novels, filling the blanks, have been published till die. This is only one of her novels that have been published till date. So, that आएगा यहाँ पे, that have been published till date. Question number 41 है, This is the same dog, filling the blanks, barked at him but fortunately did not bite him. This is the same dog that barked at him but fortunately did not bite him. That आएगा. He is the same dog that barked at him. Now 42 to 43, दो question जो हैं. Choose the correct passive voice, active voice, passive voice से हैं. क्वेश्चन नंबर 42, क्विनिन टेस्ट्स बिटर, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है क्योंकि ई एस लगा है।
तो इसका बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि इज आएगा तो क्विनिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, थर्ड फॉर्म क्विनिन इज बिटर व्हेन टेस्टेड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तो इसका हो जाएगा व्हाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर क्वेश्चन मार्क, Why was such a letter written by your brother? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 to 46, give one word for the following expression choosing from the options given under each expression, तो दिया गया है one who looks at the right side of the things, one who looks at the right side of the things is called ऑप्टिमिस्ट होता है काइंड ऑफ पॉजिटिव पर्सन, या आप उसे कह सकते हैं आशावादी या कॉन्फिडेंट, जो कि पॉजिटिव साइड देखता है चीजों के बारे में, राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ओके इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस कॉल्ड पैनासिया, पैनासिया होती है यूनिवर्सल रेमेडी या यूनिवर्सल क्योर, ओके इसे हिंदी में रामबाण भी कहते हैं, ओके रामबाण से आप याद रख सकते हैं इसे, पानासिया यानी कि क्योर ऑफ ऑल द इल्स, सभी बीमारियों या प्रॉब्लम्स की का इलाज, सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिफिकल्टीज और डिजीजेस इज कॉल्ड पानासिया। क्वेश्चन नंबर 46 है A man who has too much enthusiasm for his one reason and hates other religions, तो ऐसे person को कहते हैं, ऐसे man को कहते हैं fanatic, fanatic होता है हिंदी में कट्टर, okay कट्टर, who has too much enthusiasm for his one religion and hates other religions is called fanatic। अगला प्रश्न है choose the correct synonym for the given word from the options given below, question number 55 53 to 55। पहला है bold, bold का synonym बताना है, bold होता है daring, तो यहाँ bold का synonym पूछा है, तो इनमें से impudent जो है bold का synonym होगा, impudent option A, brilliant का synonym होगा जैसे bright, एक्टिव का सिनोनिम होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव या अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलस, कैलस का मीनिंग होता है कठोर हार्ड, तो इसका सिनोनिम बताना है यहाँ पे, तो इसका सिनोनिम होगा स्टिफ, नहीं होगा डब हार्ड, ऑप्शन नंबर डी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब विच फिट्स इन गिवन blanks of each questions, the question है I filling the blanks him for long time, I filling the blanks him for long time, I have known, I have known him for a long time, तो ये present perfect tense, I have known past participate and him for long time। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 5 years, आई के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 to 60, यहाँ पे एंटोनियम बताने हैं, तो 58 क्वेश्चन है सेलिबट, सेलिबट होता है कुआरा या अविवाहित, अविवाहित इसको हम कह सकते हैं अनमैरिड, तो सेलिबट का एंटोनियम उल्टा बताना है, तो उल्टा होगा इसका, अनमैरिड होता है इसका मतलब, तो सेलिबट का एंटोनियम होगा मैरिड, ओके यानी कि विवाहित, अविवाहित का उल्टा विवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्सटसी, एक्सटसी होता है
आनंद की अनुभूति होना, आनंद या उत्साह, प्लेजर, तो इसका एंटोनियम बताना है। तो एन एक्ससी होता है उत्साह या हैप्पीनेस, तो इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनियम अनहैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अनहैप्पीनेस। बी एटीट्यूड ऑप्शन में है, इसका मतलब होता है परम सुख, या आप कह सकते हैं मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जेनिथ। जेनिथ होता है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, इसका एंटोनियम हो जाएगा नेडियर। नेडियर होता है सबसे नीचे, यानी कि लोएस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, नेडियर। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी है, बी वॉज बीन, या बी बेड बेड, बी बी बी, या बी वॉज ऑब्लिक इज वर्ब। इनमें से कौन सी थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब सही है, कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।